नमस्कार दोस्तों, वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय राजू जियानी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने प्रीमियर का बनाया था, आज मैं आपको ईडीएस के अंदर सिनेमैटिक टाइटल कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाता हूं। ईडीएस का नया वर्जन मार्केट में अभी आ चुका है, ईडीएस एक्स, जिसके अंदर कंपनी ने बहुत सारे नए नए फीचर्स एड किए हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन उसका जो मेन फीचर जो है दैट इज XRE, एक्सट्रीम रेंडरिंग। तो एक्सट्रीम रेंडरिंग जो है वो स्पेशली इंटेल का जो प्रोसेसर है, इंटेल का क्विक सिंक टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, जिसमें आपकी सिस्टम का फोर्थ जनरेशन के बाद का कोई भी प्रोसेसर होगा तो उसमें आपको सही परफॉर्मेंस देगा। अगर आप 8, 9 या 10 जनरेशन का मशीन यूज कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस काफी बेस्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका रेंडरिंग जो है वो साइमल्टेनियसली वीडियो एडिटिंग के साथ साथ हो सकेगा। जैसे जैसे आपका वीडियो एडिटिंग चल रहा है उसी के बैकग्राउंड में आप अपना रेंडरिंग काम भी कर सकेंगे। इसके अलावा वीटा सीन ट्रांजिशन के साथ साथ कंपनी ने वीटा सीन 4.0 इसमें बंडल जो किया है उसमें सीमलेस ट्रांजिशन दे दिए, प्लस ऑडियो के जो प्लगइन्स जो दिए हैं वो भी हमारे बहुत सारे काम के हैं, और इसके अलावा टाइटल प्रो 7 भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो कुल मिला के ईडीएस एक्स इट्स अ एक्सट्रीम प्रोडक्ट जिसमें आप अपना काम आसानी से और बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। लाइसेंस वर्जन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो चुके हैं। पुराने वर्जन जिनके पास ईडीएस 9 प्रो है या वर्क ग्रुप वर्जन है तो उनको कंपनी अगर एक साल के अंदर आपने खरीदा हुआ है तो फ्री में अपडेट दे रही है। अगर आपने उसके पहले खरीदा हुआ है तो उस कंडीशन में कंपनी आपसे $200 चार्ज कर रही है। जिन जिन के पास एजुकेशनल वर्जन है तो एजुकेशनल वर्जन वालों को ऑलरेडी नया ही वर्जन खरीदना है, बट वीडियो एडिटिंग जो वेडिंग का जो काम कर रहे हैं उनके लिए एजुकेशनल वर्जन ही सही रहता है। क्योंकि अब जैसे हर 2 साल में कंपनी चार्ज तो ले ही रही है तो उस कंडीशन में उनको एजुकेशनल वर्जन प्राइस वाइज भी सही रहता है और सपोर्ट वगैरह में भी लोकल सीडीएम टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट प्रॉपरली मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं ईडीएस एक्स में सिनेमैटिक टाइटल कैसे बनाते हैं। यहां पे मैंने एक रेडी प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें बना के रखे हुए हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूं और आपको प्ले करके दिखाता हूं। इस तरह का प्रोफेशनल टाइटलिंग आप ईडीएस में कैसे कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां पे एक न्यू सीक्वेंस ले लेता हूं। ये मैंने न्यू सीक्वेंस किया। न्यू सीक्वेंस करने के बाद हम यहां पे एक टाइटल टाइप कर लेते हैं। फाइल में गए या बीन में, राइट क्लिक, एड टाइटल। वैसे तो आपको टाइटल लिखना वगैरह तो रूटीन आप करते ही हैं। हमें सिंपल व्हाइट कलर में ही चाहिए तो ये हमने व्हाइट कलर में टाइटल टाइप कर लिया है। यहां से आप उसकी प्रॉपर्टी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने एज निकाल दिया, इसको कर दिया कंट्रोल एस। ये टाइटल एक यहां पे आ गया है।
हम दूसरा टाइटल टाइप करते हैं, सेम वे इसमें भी हमें एज की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में हमें एक लाइनिंग बनानी है, तो हम फिर से टाइटल में चले जाते हैं, यहां से हम शेप लेयर ले लेते हैं, शेप में हम यहां से एक कलर फील कर लेते हैं, अब हम तीनों टाइटल्स को टाइमलाइन पे लेके आते हैं। तो हमें क्या करना है कि येलो जो बार जो है, येलो बार में से दोनों टाइटल एक के बाद एक बाहर लेके आने हैं। तो वो कैसे लेके आएंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लेआउटर की मदद से येलो बार जो है उसको हम यहां पे साइड में लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे येलो बार धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहा हो, उस टाइप का हमें प्रीव्यू चाहिए। इसको हमने सेव कर दिया, यहां हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे, यहां से हम उसके ऊपर मास्क इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ये हम यहां से मास्क का शेप बना लेते हैं, ये हमारा मास्क बन गया। अब मास्क की आउटसाइड में हम उसकी ऑपेसिटी कर देते हैं 0, मतलब कि जैसे ही आप मास्क निकालते हैं, यहां पे देखिए ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे ही हम मास्क को नीचे करेंगे तो वहां पे प्रीव्यू चला जाएगा। ये हमारा पूरा मास्क है, तो हम मास्क का की फ्रेम जनरेट करते हैं। ये हमने इनेबल किया, ये फर्स्ट की फ्रेम बनाया। फर्स्ट की फ्रेम में हमें उसको रखना है बंद, मतलब कि मास्क हमें दिखना, मतलब शेप जो है वो हमें दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद बराबर 2 सेकंड पे, मतलब यहां 1 सेकंड पे हम 2 सेकंड तक का टाइम ले लेते हैं, तब तक हमारा मास्क ओपन हो जाना चाहिए, मतलब कि ये येलो शेप हमारा प्रीव्यू में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए किस तरह का एनिमेशन बना है, ये एक एनिमेशन हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा टाइटल ले लेते हैं, इधर एक को बंद कर देते हैं ताकि हमें एडिट करने में सहूलियत रहे। अभी हम पहले स्क्रीन किंग जो लिखा हुआ है उसको एडिट करते हैं, इसको हमने कर दिया बंद। इसके ऊपर भी हम सेम मास्क इफेक्ट लगाएंगे, ये हमने मास्क लगाया, डबल क्लिक किया, ये हमने इसका मास्क ड्रॉ कर लिया, कर दिया ओके, सॉरी, ये हमारा मास्क हो गया ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं, जैसे वो इफेक्ट हमारा 2 सेकंड तक है, तो हमने यहां पे इसको एक्टिव किया, ये हमने फर्स्ट फ्रेम क्रिएट किया और यहां से जाके इसको हम
ये मास्क हमने कर दिया मूव, बट अब हमने यहां पे क्या किया है, आउटसाइड का जो ऑपेसिटी जो है वो हमने जीरो नहीं किया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आउटसाइड की ऑपेसिटी को कर देते हैं जीरो, ताकि हमारे मास्क के बाहर के एरिया में कुछ भी दिखाई ना दे। ये देखिए यहां पे दिखना बंद हो गया। अब हमें 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच समझो टाइटल को प्रीव्यू दे देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से उसको ये हमने प्रीव्यू दे दिया। यहां पे हम एनिमेशन चेक करते हैं, अब हमें समझो इसकी जगह एडजस्ट करनी है तो वो तो हम लेआउटर से कर ही सकते हैं। लेआउटर में जाके हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसका मास्क भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा गलत हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस की फ्रेम को डिलीट करना पड़ेगा। ये हमने डिलीट किया, यहां पे जाके हम मास्क को ऊपर कर लेते हैं, एंड में जाके भी हम मास्क को ऊपर कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर हो जाएगा। ये हमने ओके कर दिया। ये टाइटल थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। इसके बाद ये जो मल्टीमीडिया जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम स्क्रीन किंग में जो गलती की थी वो हम इसमें नहीं करेंगे। इसको हम पहले से ही इसके लेआउटर में उसकी प्लेसमेंट सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने प्लेसमेंट सेट कर लिया। प्लेसमेंट थोड़ी और हमें बेटर करनी पड़ेगी। ये हमारा प्लेसमेंट प्रॉपर हो गया है। ये हमने कर दिया ओके। इस टाइटल को भी हम यहां तक लंबा कर लेते हैं और इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो मल्टीमीडिया की जो लिखावट है उसको हमें एडजस्ट करना है। सिलेक्ट किया, सेम वे वही मास्क इफेक्ट, हम चले गए इसमें, इसके ऊपर हमने मास्क ड्रॉ कर लिया, आउटसाइड ओपेसिटी हमने कर दी जीरो। अब ये जो टाइमिंग जो है वो 6 सेकंड के बाद, मतलब कि 5 सेकंड तक टाइटल है उसके बाद लाना है, तो 5 सेकंड पे हमने कर दिया की फ्रेम को एक्टिव। ये फर्स्ट की फ्रेम जनरेट किया, ये हम मास्क को ले गए बाहर, प्रीव्यू चला गया। अब 5 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक या 10 सेकंड तक, सॉरी हम 8 सेकंड तक लेते हैं, यहां से हम इसको अंदर आने देते हैं। ये हमने आने दिया इसको। अब ये जो येलो बार जो है उसकी पोजीशन हमें सेट करनी है थोड़ी सी।
इसका मार्क्स एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रेम में हमें इसको थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक एनिमेशन ऐसे तैयार हो गया है। इसके बाद बीच में जहां पे हमें इसको खड़ा करना है, हम तीनों क्लिप की कॉपी करेंगे, बीच में उसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद इसी इफेक्ट को हमें फिर से बंद करना है, तो हम इसको फिर से मास्क इसका हटा देंगे। तो इस तरह से मास्क की मदद से आप काफी अच्छे प्रोफेशनल टाइटलिंग कर सकते हैं। आप किसी भी शेप के ऊपर मास्क चला सकते हैं, मतलब आउटसाइड एरिया, आउटसाइड की जो ऑपेसिटी जो है उसको जीरो करके आप पूरा इफेक्ट ओपनिंग और एंडिंग दे सकते हैं। तो इस लेसन में आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, और इस टाइप के टाइटल्स अगर रेडीमेड प्रोजेक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ ही हमने उसका लिंक भी शेयर किया है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत रीजनेबल रेट्स पे कुछ रेडीमेड प्रोजेक्ट्स परचेज कर सकते हैं। अगेन, मेरे वीडियोस देखने के लिए और उसमें कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।